अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल शाइनी स्टार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है वो है दावत से रिलेटेड, क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, मेरे मामू आ रहे हैं और स्पेशली मुझे अपनी बेटी मीरब की फरमाइश भी पूरी करनी थी जो वो इतने दिनों से कर रही थी, तो मैंने सोचा चले आज वो भी पूरी कर। फिर मैंने सोचा चले मैं खाना तो बना ही रही हूँ, क्यों ना आपके लिए वीडियो भी शूट की जाए, तो फिर मैंने आपके लिए वीडियो भी बना ली। बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज हैं जो मैंने दावत में बनाई थी और तकरीबन मैं एक ही घंटे में सब चीजें बना के फारिग हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कुकर में एक कप के करीब ऑयल डाल दिया था, जब वो गर्म होने लग गया तो फिर मैंने इसमें दो मीडियम साइज की प्याज वो डाल दी और इसको मैंने थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर दे दिया। इसके बाद मैंने एक एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट भी इसमें शामिल कर दी। उसके बाद जी मैंने इसमें मटन शामिल कर दिया। अब मटन को 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से हमने पकाना है, इतना पकाना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट मटन को पकाने के बाद हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल देनी है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए थे और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने पेस्ट बना के डाल दिया था। और जैसे ही वो अच्छे से भून जाए तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, घर के नॉर्मल मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा। यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था, आपके पास हो तो आप डाल दें, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो फिर मैंने गुजारा किया। बस अब अच्छे से हम मसाला जो है ना वो रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अब यहाँ पे देखें जी मसाला जो है ना वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैंने 1 जग के करीब जो था ना वो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जब 1 सीटी चलेगी तो फिर 5 मिनट के बाद जो है ना हम कुकर को बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद जब कुकर खोला तो मटन बिल्कुल गल चुका था। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं, लास्ट में हमने इसमें गर्म मसाला डालना है और हरा धनिया डालना है और मजीद इतना पकाना है कि आलू जो है ना वो गल जाए। तो मटन आलू शोरबा है वो रेडी। देखा कितनी क्विकली जो है ना वो ये बन गया। नेक्स्ट मैंने बनाई थी खीर और ये भी बहुत बहुत जल्दी बनी थी, वो इस वजह से कि मेरे पास जो थे ना वो राइस थे, लेफ्ट ओवर राइस। और हमारे घर में या अक्सर घरों में होता है कि कभी चावल बच जाते हैं, कभी दालें बच जाती हैं, तो हमारे घर में दाल ख़त्म हो गई हुई थी, जो चावल थे ना वो बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा इसे वेस्ट करने की बजाय इस्तेमाल में लाया जाए। तो आज ही फिर मैं बना रही हूँ खीर। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है और इसमें ये सालन वाला जो चम्मच है ना चावलों से भरा हुआ ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद जी हसबे जायका मैं इसमें चीनी डालूंगी और जस्ट इसको करूंगी गरम कि चीनी जो है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। इस पूरे मिक्सचर को मैंने कर लिया था ग्राइंड और ग्राइंड करने के बाद अगेन मैंने उसी कढ़ाई में इसको वापस डाल दिया था। अब यहाँ पे आप इलायची पाउडर डालना चाहे डाल लें अच्छी खुशबू के लिए, लेकिन मैंने अपने किचन अभी प्रॉपर जो है ना वो सेट नहीं किया है, तो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं कुछ नहीं है, तो जो है मैं उसी से ही काम चला रही हूँ। तो बस चीज़ को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे और इसमें मैंने गिरी, किशमिश और बादाम भी डाल दिया था। मैक्सिमम इसको 15 से 20 मिनट लगे थे और ये पक्के बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मैंने इसको ठंडा करना था तो मैंने इसे कंटेनर में निकाल लिया था और बस जी जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उनको ठंडा ठंडा मैं सर्व करूंगी। नेक्स्ट ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी की फरमाइश पे फ्राइड राइस। तो बहुत दिनों से फरमाइश कर रही थी मम्मा मैंने खाने हैं, लेकिन मेरा किचन जो था ना वो कम्प्लीट ना होने की सूरत में मैं उसको इतनी भारी फरमाइश जो थी ना वो पूरी नहीं करके दे सकती थी। और अभी चल रहे हैं उसके एग्जाम्स तो मैंने सोचा चलिए उसको थोड़ी सी ट्रीट भी दी जाए। तो बस उसकी फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने 2 एग्स जो थे ना उसको मैंने रफली पका लिया था और इसको तोड़ लिया था। और इसके बाद जी मैंने इसमें यहाँ पे 1 गाजर ली है और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और अब मैं इसको 1 या 2 मिनट के लिए पकाऊंगी जस्ट ये थोड़ी सी नरम हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने नमक डाला हसबे ज़रूरत और काली मिर्च डाली मैंने इसमें हसबे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से और जो अंडा हमने पका के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसके बाद जी मैंने इसमें अगेन लेफ्ट ओवर राइस जो थे ना मैंने बनाए हुए थे तो वो भी डाल दिए। और इसके बाद फिर मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच जो थे ना मैंने इसमें सोया सॉस डाली और लास्ट में मैंने इसमें क्लोव क्यूब डाली थी और इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो बने ना क्विकली फ्राइड राइस। तो बस जी ये मेरे मज़ेदार से फ्राइड राइस जो थे ना मेरी बेटी की फरमाइश पर मैंने बना दिए थे।
लास्ट में जी मैंने चिकन मंचूरियन बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और बहुत ही क्विकली। तो यहाँ पे जी मंचूरियन की रेसिपी जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा अपने पेज पे शेयर की हुई है, लेकिन आज मेरी बेटी की फरमाइश पे ये बनना था तो फिर मैंने इसकी रेसिपी भी आपको शेयर कर। वैसे तो मंचूरियन जो है ना वो बहुत से तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना इससे बोनलेस चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। जब उसे हम मंचूरियन की सॉस में खाते हैं ना तो उसकी जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उसका राज ये है कि इसको मैं पहले करती हूँ मैरिनेट और फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ और देन इसके बाद इसको मैं सॉस में डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनता है। तो चिकन बोनलेस में हमने नमक, काली मिर्च डाल दी, एक अंडा डाल दिया और कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने इसको कर लिया मैरिनेट। आप यहाँ पे सफ़ेद मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन अगर आपके पास होता आप इसको लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन सारे चिकन के पीसेस को हमने फ्राई कर लेना है। आपकी फेवरेट चीज, इतने दिनों से मेरा बेटा फरमाइश कर रहा था ना। थैंक यू मम्मा। वेलकम। बस यही खुशी तो मैंने देखनी थी अपने बच्चे के फेस पे, और एक माँ को क्या चाहिए कि उसका बच्चा जो है वो हैप्पी भी हो जाए और पेट भर के खाना भी इंजॉय करे। तो बस जी अब यहाँ पे जो चिकन है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब मंचूरियन की सॉस बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 2 से 3 ग्लास मैंने पानी लिए थे, इसमें मैंने तकरीबन आधी जो है ना प्याली केचप की डाली है, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 ही खाने के चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चीनी डाली है और 1/2 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें जाएंगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से हल हो जाए। इसके बाद मैंने फ्राई पैन में ऑयल सारा निकाल लिया था और थोड़ा सा ऑयल रहने दिया था। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो था ना कुटा हुआ लहसुन डाला। आपने बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं डालनी, जस्ट इसको कूट के डाल देना है और जो सॉस हमने बनाई थी, जो पानी हमने बनाया हुआ था, वो सारा हमने इस पे डाल देना है जब लहसुन जो है ना वो थोड़ा सा पक जाए। अब इसको उबाल आने देंगे और यहाँ पे चिकन, शिमला मिर्च और प्याज जो है ना वो हमने इकट्ठी कर ली है, रख ली है। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हम इसमें डाल देंगे। 1 या 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और 2 से 3 जो है ना कॉर्नफ्लावर के मैंने चम्मच डाले हैं, इसको अच्छे से घोल लिया है। जैसे ही सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक जाएंगी तो मैं इसको बारी बारी डालती जाऊँगी, हिलाती जाऊँगी और मंचूरियन जो है ना वो गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए जी क्विकली हमारा जो चिकन मंचूरियन है वो भी रेडी है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। माशाल्लाह से मेरी दावत टेबल जो है वो रेडी हो गई है, बस अब गेस्ट आएंगे तो फिर मैं उनको सर्व करूँगी और लास्ट में जी हम खीर भी निकालेंगे ठंडी ठंडी। अभी प्रॉपर मैंने अपना किचन जो है ना वो खोला नहीं है, तो कुछ बर्तन मेरे पास थे तो मैंने उन्हीं में ही गुजारा किया है। यहाँ पे जी मेरे बच्चों को लग रही थी भूख, अभी गेस्ट को आने में लेट था तो फिर मैंने अपने बच्चों को निकाल के दे दिया और एक अच्छी सी प्यारी सी थंबनेल के लिए पिक भी ले ली। दोनों बच्चों ने माशाल्लाह खूब पेट भर के खाया और ये दोनों की फरमाइश पे बना था तो उन्होंने खूब इंजॉय किया। अब जैसा कि पेपर्स भी हो रहे हैं इनको तो ट्रीट मिली और फिर मुझे नंबर भी मिल रहे थे 10/10 तो बस जी इतनी सी खुशी के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। 10/10 ऐसे करते हैं ऐसे। ये वाओ, चलो मीरब अपना खाना इंजॉय करती जा रही थी और साथ साथ मुझे पेपर्स के मुतालिक बताती जा रही थी, मामा मैंने इतना पेपर कर लिया, मामा मैं जल्दी जल्दी पेपर करके फारिग हो गई, फलां और साथ ही महीन भी शुरू हो गई थी। जैसे बड़ी आप ही ने करना है वैसे छोटी आप ही ने तो लाजमी करना है। और ये पूरे दिन का ना बेस्ट मोमेंट होता है मेरे लिए जब हम सब बैठ के ना यहाँ पे खाना खा रही होती है। गेस्ट आ गए हुए थे और मैंने उनको खाना भी सर्व कर दिया।
अब बारी है जी मीठे सर्व करने की। तो मिठास जो थी ना हमारी बढ़ चुकी थी मतलब कि बरकत पैदा हो गई थी। मैंने बनाई थी खीर और ये खीर ना थोड़ी सी मैंने अपनी बेटी को खिला दी थी, इसीलिए कम कम लग रही है। और साथ ही जी मेरे हस्बैंड भी लेके आ गए थे बाज़ार से रसमलाई, और जो गेस्ट थे मेरे मामू वो भी लेके आए थे आइसक्रीम। तो देखा मिठास में कितनी बरकत पड़ गई तो हमारे पास मीठे में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, रसमलाई भी थी, खीर भी थी और आइसक्रीम भी थी। तो फिर मैंने सोचा आइसक्रीम जो है ना वो हम बाद में खा लेंगे, तो अभी जो है ना हम रसमलाई और खीर इंजॉय करते हैं। हम सब यहाँ पे इंजॉय करते हैं जी रसमलाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा दावत व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। क्विक सी रेसिपी थी, बहुत ईजी रेसिपी थी, आपके साथ शेयर की, आपको अच्छी लगी होगी। यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने व्लॉग का, आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।